तो फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ शादी वाले घर पे। है आज शादी वाले घर पे ना मेहंदी का सेरेमनी है, तो अभी के टाइम पे देखिए ठीक नीचे वाले खेत में ना झूले लगे हुए हैं, और अभी देखिए शाम के मेहमानों के लिए ना लकड़ी वाले झूले पे खाना तैयार हो रहा है। तो इस वाली जगह पे देखिए बहुत सारे झूले एक ही साथ बनाए हुए हैं, और इन बड़े बड़े बर्तनों पे साग सब्जी दाल वगैरह वगैरह बनके तैयार हो रही, और जो रोटियां बनके तैयार हो गई ना उन्हें देखिए यहाँ त्रिपाल में ठंडा करने के लिए रखा हुआ है, और ठंडा करने के बाद इस बड़े से बर्तन में स्टोर करके रखा जा रहा है। तो जी ये है हमारा पहाड़ों का स्पेशल सा बर्तन जिसे रिंगाल की लकड़ी से बनाया जाता है, और इसी में देखिए जितनी भी रोटियां बन रही है ना सारी स्टोर करके रखी जाती है। हेलो जी, जय श्री केदार, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो मैं ज्योति नेगी स्वागत करती हूँ आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों से और साथ ही साथ थेली सेन बाजार से। आज मैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग सुबह के लगभग 11:30 बजे के आसपास से कर रही हूँ। बाकी रोजाने की तरह आज इन पहाड़ों में मौसम बिल्कुल सुहावना सा है, प्यारी सी तेज धूप खिली हुई है, साथ ही साथ ठंडी ठंडी हवाएं भी महसूस हो रही है। तो दोस्तों मेरी बिनसर वाली वीडियो पे आप सभी ने ढेर सारा प्यार दिया, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप में से कई सारे लोगों ने कमेंट में ये भी क्वेश्चन पूछा था कि ज्योति आप कहाँ की रहने वाली हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं, मेरा ससुराल है उत्तराखंड के टिहरी डिस्ट्रिक्ट में, और मेरे ससुराल का नाम है चिलौगी तली, और जो मेरा मायका है तो मेरा मायका है पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के थैली सेन ब्लॉक में, और मेरे मायके वाले गाँव का नाम है रौली। फिलहाल के टाइम पे मैं रहती हूँ थैली सेन में, यानी कि मायके में ही रहती हूँ आजकल के टाइम पे यहाँ थैली सेन बाजार में मेरे बच्चे की पढ़ाई की वजह से। तो चलिए जी अभी हो गई हूँ मैं अपने इस प्यारे से सूट पहन के रेडी, और मेरी तैयारी हो गई है आज यहाँ चोपड़ा कोट पट्टी से ढाजली पट्टी में शादी में जाने के लिए। तो चलिए जी आज आपको ढाजली पट्टी के शादी के पहाड़ी रीति रिवाज भी दिखाएंगे, और पहाड़ों के खूबसूरत से नज़ारे भी दिखाएंगे, और ढाजली पट्टी के खूबसूरत से गांव भी इस वीडियो के जरिए आपको देखने को मिलेंगे भाई। तो भाई टाइम हो गया है 11:28 और अब निकलने वाले हैं हम रूम से। देखिए मैंने दो बैग पैक कर रखे हैं, एक बैग में मेरे कपड़े हैं, एक बैग में दुल्हन को देने के लिए सामान है भाई। तो चलिए मैं अकेले नहीं, मेरे साथ अंशु भी जा रहा है और साथ ही साथ मेरी छोटी बहन सुमन भी। ये देखिए जी मिलिए सुमन से, कैसी हो? तो सुमन जाएगी रिश्ती और मैं जाऊंगी मिजगांव, यानी कि अगल बगल पड़ोस के गांव में जाना है हमने ढाजली पट्टी में। तो चलिए जी निकलते हैं अब रूम से फटाफट। और हमारे रूम से 4 कदम की दूरी पर ही थैली सेन का टैक्सी और बस स्टैंड है, तो हम देखिए टैक्सी स्टैंड पे भी पहुंच गए हैं। और अभी के टाइम पे देखिए बहुत सारी टैक्सियां यहाँ पे देखने को मिल रही है। सुबह सुबह यहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ वाला माहौल रहता है भाई टैक्सी स्टैंड में, और जो ढाजली पट्टी की बस है ना वो नीचे से मिलेगी भाई। एक बार देखते हैं कि जा रही है कि नहीं जा रही है। स्टेशन आने के बाद पता चला कि 11 बजे ना तरपाली सेंट की बस निकल गई है। तो तरपाली सेंट से दो टैक्सी आती है डेली सर्विस की, एक यहाँ पे लगी हुई है एक इसी के बगल में। तो आज हम इन्हीं टैक्सियों में अपना सुहाना सफर तय करने वाले हैं तरपाली सेंट तक। बाकी यहाँ तरपाली सेंट की जो दूरी है ना रोड की, मतलब 50 किलोमीटर की है, और आधे से पौना घंटा तक लगी जाता है यहाँ से वहाँ तक पहुँचने में। तो ये देखिए जी, तो अयाज आज बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा है, कैसे लग रहा है आपको शादी में जा रहे हो? अच्छा है। मोमो को आपने थैंक यू नहीं बोला? थैंक यू। वेलकम। तो अब मिले हमारे सुजीत भाई से। तो भाई आज कहाँ रहते हो आप? मैं रहता हूँ रामनगर। तो भाई देखे रामनगर से घर आ गया है विद फैमिली। ये देखिए चाचा नमस्ते। ये देखिए हमारे चाचा जी लोग सब आ गए हैं, इनकी बहू हेलो। तो अब मिले छोटी सी बेबी डॉल से, हेलो, कैसा लग रही है? ये बाबा, ये बाबा कद मैन हो गया, दांत नहीं है, दिखाओ तो। अरे अरे, स्टेशन के आगे वाला जो ये रूट है ना, तो यहाँ पे ना बड़ा सकरी सी रोड है भाई। तो अभी के टाइम पे देखिए यहाँ पे 3-4 गाड़ी में ही जाम लग गया है। तो ये चलेगी जी रोडवेज की बसेस। आधे घंटे का इंतजार करने के बाद अब यहाँ से निकलने वाले गाड़ी खचा खच खड़ी। देखिए देखिए पूरे तरपाली सेन के ही सवारी है इस गाड़ी में बैठी। अभी के टाइम पे हम आ गए हैं कैन्यूर बैंड के मोड़ के ठीक आगे, नीचे वाला रोड चला जाता है थैली सेन के लिए, और ये जो ऊपर वाला बैंड है ना ये
ये आ जाता है भाई धाजोली पट्टी के लिए, यानी कि धरपाली साइड के लिए। तो गाड़ी से हमने कम से कम 20 किलोमीटर का सफर तय कर लिया है और अभी के टाइम पे हम एक प्यारी सी लोकेशन पर पहुंच गए हैं, यानी कि भैरवघाल साइड पहुंच गए हैं। और यहां से ठीक नीचे इन पहाड़ों में बहुत सारे पहाड़ी खूबसूरत से गांव देखने को मिल रहे हैं। गांव के नाम तो मुझे पता नहीं है, लेकिन बड़े ही खूबसूरत से गाँव हैं। और गाँव के चारों ओर सीढ़ी नुमा खेत हैं और इन सारे खेतों में ना गेहूँ की फसल बोई हुई है। बाकी इस साइड मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है और बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा माहौल फील हो रहा है भाई यहाँ पे। तो चलिए बढ़ते हैं एक और बार अपने सफर की ओर आगे। एक घंटे का लंबा सफर तय करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं तरपाली सैंड मार्केट में। तो ये रीजी सामने पे तरपाली सैंड मार्केट, काफी बड़ी मार्केट है। और अभी के टाइम पे हमें यहाँ से ना मिठाई लेनी है, तो एक बार स्वीट शॉप ढूंढते हैं सामने पे। क्या वहीं पे खाते भी है कुछ? तो सामने पे ही चलो स्वीट शॉप मिल गई, यहाँ से लेते हैं मिठाई। क्या खा? तो अभी के टाइम पे हम स्वीट शॉप पे आए थे, तो यहाँ पे ना फास्ट फूड के लिए बहुत सारे आइटम मिल रहे हैं खाने के लिए। तो अभी के टाइम पे हमने ऑर्डर किया था चाउमीन, तो सुमन के लिए भी और अयाज के लिए भी, और अपने लिए मैंने खाना मंगवाया है भाई। भूख लग गई है बहुत जोर की। तो वही इनका टेस्टी सा लंच करने के बाद अभी के टाइम पे हम मार्केट के आगे साइड आ गए हैं। यहाँ पे देखिए रिश्ती और मिजगांव के लिए टैक्सियाँ लगी है, यानी कि डेली सर्विस की। तो चलिए अभी इन्हीं टैक्सियों में से किसी एक में बैठ जाएंगे। दो टैक्सियाँ लगी हुई है, ये आगे की भी और इसी के ठीक पीछे वाली भी। तो सुमन जाएगी ठीक पीछे वाली में और मैं इसमें, और यहाँ से सुमन ले रही है आटे का आटा। हाँ ले ला आटा। अच्छा पुआर बटाई। तो देखिए जी सुमन जा रही है अपने बुड्ढी के घर, यानी कि रिश्ती जा रही है। तो इसके दादाजी की बहन है ना, तो भाई जब दादा और के यहाँ से जाते हैं यानी कि भाई के यहाँ से, तो भाई दूण और कंडी ले जानी पड़ती है ना। तो दूण में ये ले जा रही है चावल, और कंडी क्या ले जा रही है? लड्डू ले जा रही है कंडी में। कितने? 5 किलो। गाड़ी में मैंने बैग वैग भी रख दिया है, गाड़ी को जाने में 5 से 10 मिनट लगेंगे अभी के टाइम पे। तो मैंने सोचा क्यों ना इतने में तरपाली साइड मार्केट घूम लिया जाए। बाकी देखिए ठीक सामने साइड से अभी हम आए थे, और वहीं से जो पूरा एरिया है ना, ये पूरा एरिया मार्केट का है, यहाँ से भी और यहाँ नीचे से भी। ये देखिए यहाँ और यहाँ आगे की और भी काफ़ी बड़ी मार्केट है भाई। और तरपाली सैंड मार्केट के ठीक ऊपर ये है, ये बड़ा सा गांव है तरपाली सैंड, और इसी के ठीक दूसरे साइड उस वाली धार में राजी कुकली गांव, और ठीक ऊपर इस वाली धार में है सलोन धार, यानी कि सलोन गांव, वहां है मेरी बुआ जी का ससुराल। 5 मिनट मार्केट घूमने के बाद अभी के टाइम पे हम बैठ चुके हैं गाड़ी में, इसी के साथ देखिए बाहर का माहौल काफी ठंड भरा हो गया है भाई। दस पंद्रह मिनट में ही हम पहुंच चुके हैं मिजगांव में, और यहां से ठीक सामने वाली जगह पे रहा जी मिजगांव, और जहां पे हमें शादी पे जाना है ना उनका घर रहा जी ठीक नीचे वाली जगह पे। ये देखिए और अभी के टाइम पे सामने वाले साइड से प्यारी सी तेज धूप खिली हुई है। तो चलिए जी चलते हैं, अब उठाते हैं सामान। चल अंशु क्या ले जाएगा, क्या ले जाएगा? और अभी शाम के टाइम पे देखिए स्कूली बच्चों की छुट्टी हो गई है, ये बच्चे भी आ गए हैं घरों की ओर। गांव में जाने के लिए यहाँ देखिए बड़ा संकरा सा रास्ता है, और मैं तो आराम से चली जा रही हूँ, लेकिन अयांश को थोड़ी सी दिक्कत आ जा रही है भाई जाने में। बाकी यहाँ के लोग के किचन गार्डन में देखिए पहाड़ी मूली राई खूब सारा हरा साग हो रखा है, और साथ साथ में इस वाली जगह पर देखिए प्याज की पौ डाल रखी है। तो अभी के टाइम पे हम आ गए हैं गांव के बीचों बीच। दादी बैठे ची जी पी सड़ा वाल तुम है? अच्छा कपड़े धोना है? तो भाई ये जो मिजगांव गांव है ना, यहाँ
पहाड़ों के पुराने शैली के मकान बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। सामने देखिए बड़ा ही खूबसूरत सा घर है। मैं रो लिखो रो आ जा। यहाँ पे रही जी करेले की झाड़ी और ये है जी कड़वे करेले, खूब सारे लगे हुए हैं भाई इस वाली बेल पे। तो फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ शादी वाले घर पे। तो चलिए चलते हैं अब एक बार अंदर की ओर। अभी के टाइम पे देखिए यहाँ पे डेकोरेशन हो रही है। तो अब मिली हमारी भाभी जी से। कैसे हो आप? ठीक है, प्रणाम। तो अब मिली हमारी भाभी जी से। कैसे हो आप? बस ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन, बेटी की शादी हो रही है। यहाँ पे देखिए गंगा की नानी की यानी की भाभी जी की मम्मी। आप लोग कब आए? कल। अच्छा, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। और आप? ये अच्छा, तो दादी जी इसी गाँव की है भाई। तो अब मिले हमारे भैया जी से। भैया कैसे हो? कैसे हो आप? बढ़िया। अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। बेटी की शादी हो रही है, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। तो हमारे रहे जी भैया जी यानी कि रिश्ते में, और अभी आपको सारी फैमिली मेंबर से मिलाएंगे धीरे धीरे करके। धीरे धीरे करके शादी वाले घर पे खूब सारे मेहमान आने लग गए हैं। और अभी के टाइम पे देखिए हमारी भाभी जी ने गर्मा गर्म चाय बना दी है इस जलेबियों के साथ। तो अब मिले हमारे फौजी भाई से। कैसे हो? बहुत बढ़िया, मजे में हैं। शादी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने तो हमें बुलाया नहीं। थैंक यू, मैंने नहीं बुलाया तो आ तो गए ना। और बच्चे के लिए भी बहुत बहुत बधाई है, बेबी भी हो गया, और बहन की शादी के लिए भी। कब आए? मैं तो अभी 3-4 दिन। अच्छा ठीक है, हम भी पहुंच गए। चलो वीडियो बनाते हैं। ओके, यहां तो ब्लॉगर है यार, ब्लॉगर है। शाम के लगभग 4:30 बजे का टाइम हो गया है। आज शादी वाले घर पे ना मेहंदी का सेरेमनी है। तो अभी के टाइम पे देखिए ठीक नीचे वाले खेत में ना झूले लगे हुए हैं, और अभी देखिए शाम के मेहमानों के लिए ना लकड़ी वाले झूले पे खाना तैयार हो रहा है यहाँ पे भी और ठीक नीचे वाली जगह पे भी। बाकी यहाँ पे देखिए काफी सारी लकड़ियाँ इकट्ठा करके रखी हुई है। इन लकड़ियों को निकालने का भी स्पेशल सा दिन होता है शादी वाले घर पे, और इन्हीं लकड़ियों में ना पूरी शादी का खाना बनाया जाता है भाई। तो इस वाली जगह पे देखिए बहुत सारे झूले एक ही साथ बनाए हुए हैं, और इन बड़े बड़े बर्तनों पे साग सब्जी दाल वगैरह वगैरह बनके तैयार हो रही है। सामने पे देखिए इस बड़ी सी केतली में चाय बन रही है, और सामने साइड देखिए हमारे भाई जी पनीर काट रहे हैं, ये देखिए सब्जी के लिए। नीचे वाले इस खेत में पूरी ना औरतों की टोली है इस गांव वालों की, और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी हैं। और यहाँ पे देखिए दो भाड़ रखे हुए यानी कि दो चूल्हे एक ही साथ जलाए हुए हैं, और इन बड़े से लोहे के तवे पे ना रोटी बनके तैयार हो रही है। तो गांव में औरतों का काम होता है शादी वाले घर पे रोटियां बनाने का, और वहीं जिन लोगों का काम होता है साग सब्जी दाल वगैरह वगैरह, देखिए कुछ लोग ना आटा की गूंदी बना रहे हैं, कोई बेलने का काम कर रहे हैं। भाई अब खाना चूल्हे पे बन रहा है तो बहुत ज्यादा धुआं भी लग रहा है। और जो रोटियां बन के तैयार हो गई ना उन्हें देखिए यहाँ त्रिपाल में ठंडा करने के लिए रखा हुआ है, और ठंडा करने के बाद इस बड़े से बर्तन में स्टोर करके रखा जा रहा है। तो जी ये है हमारा पहाड़ों का स्पेशल सा बर्तन जिसे रिंगाल की लकड़ी से बनाया जाता है, और इसी में देखिए जितनी भी रोटियां बन रही है ना सारी स्टोर करके रखी जाती है, यानी कि जब तक डिनर नहीं बढ़ता सभी लोगों में। ठीक सामने वाली पहाड़ी से अब धीरे धीरे करके सनसेट भी हो गया है, और अभी के टाइम पे देखिए धूप बादलों के पीछे छुपी हुई है। इतनी ठंडी ठंडी हवाएं फील हो रही है ना इस टाइम पे यहाँ पे कि क्या है बोले, बहुत ठंड लग रही है भाई। ठीक ऊपर देखिए वहाँ उस बिजली की तार पे खूब सारे सिटोले वाली चिड़िया बैठी है, ये हमारे पहाड़ों की चिड़िया है। और अभी के टाइम पे देखिए मस्त होके काफी सारी चिड़िया वहाँ पे एंजॉय ले रही है भाई। और इस खेत में एक छोटा सा बच्चा भी खेल रहा है भाई। किखिनो ये देखिए मस्त खेल रहा है भाई अपने आप में। तो अभी के टाइम पे हम अंदर वाले रूम पे आ गए हैं, अब आपको भाभी जी की बड़ी वाली बहू से मिलाते हैं। तो सामने पर रही जी भाभी की बड़ी वाली बहू, और उनका नाम है शिवानी, और उनके छोटे वाले बेटे से मिले, छोटे वाले बोल रही हूँ। हाय, कैसे हो? कैसे हो आप?
बात करता है ये ना। अभी नहीं बोलता। इधर आ जा, आप बुआ के पास। बुआ बोल नहीं रहा। जय कर दो प्रणाम। ये लो तो अब मिलिए मेरी बहन काजल से। तो काजल की होने वाली है शादी और आज काजल गई थी मार्केट अपने दोस्तों को ना बैचलर पार्टी करवाने और इतनी लेट आ रही है घर, यानी कि थोड़ी देर पहले ही आई है। और यहाँ पे देखिए डुगने अगर लटका देती है ना। ये देखिए तो बधाई हो काजल को शादी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसा लग रहा है? शादी होने वाली है। अभी ठीक भी नहीं लग रहा, अच्छा भी नहीं लग रहा। और अच्छा गिलास भी लग रहा है। अच्छा भी नहीं लग रहा और बेकार भी नहीं लग रहा। ठीक लग रहा, नॉर्मल गिलास भी नहीं लग रहा। अच्छा हाय कर दो। को यहाँ पे बुखार आ रहा है भाई। आज यहाँ पे इतना ठंडा मौसम है ना, बच्चों की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है भाई, है ना। डुगू ये देखो, डुगू किसी के पास भी नहीं आ रहा भाई, खासकर हमारे पास तो बिल्कुल भी नहीं है ना। हमें नहीं जानता ना डुगू। ए डुगू जय करो, जय जय करते, जय जय करते। तो थोड़ी देर में आप मेहंदी की रस्म होने वाली है मेरे मायके और यहाँ गंगा और के गांव के साइड ना मेहंदी की रस्म पहले होती है और हल्दी की रस्म बाद में। अब वहीं मेरे ससुराल साइड ना ठीक उल्टा होता है, पहले वहाँ हल्दी होती है और हल्दी की शाम को होती है मेहंदी, है ना। तो कल यहाँ पे कीर्तन भी है, हल्दी भी है, बहुत सारे प्रोग्राम आपको देखने को मिलेंगे, पहाड़ी रीति रिवाज भी है ना जी। रात के करीबन 7 बजे का टाइम हो गया है इन पहाड़ों में, अब 4 और अंधेरा भी हो गया है। इसी के साथ देखिए शादी वाले घर पे पूरी डेकोरेशन भी हो गई है और सामने वहाँ आंगन में थोड़ी देर बाद मेहंदी की रस्म होने वाली है। यहाँ ऊपर की ओर लड़ियाँ लगी हैं जो कि बहुत ही प्यारी सी लग रही है भाई अभी रात के टाइम पे। रात के करीबन 8:30 बजे का टाइम हो गया है। इसी के साथ देखिए लंच डिनर करने का टाइम भी हो गया, लंच बोल रही हो। तो हमारे पहाड़ों में ना आंगन में बैठ के सभी लोग कुछ ऐसे खाना खाते हैं, ये देखिए जी। और अभी के टाइम पे देखिए पूरे घर पे बहुत ही अच्छी डेकोरेशन हो गई है, डिनर भी हो गया है। और अभी के टाइम पे हम आ गए हैं ऊपर वाले रूम में, यानी कि गंगा के रूम में। ये देखिए गंगा का छोटा सा रूम है। गंगा घर का नाम है, वैसे गंगा का नाम काजल है भाई, है ना। हाँ। बाकी अब होने जा रही है काजल मेहंदी के लिए रेडी। तो ये देखिए मेहंदी का आउटफिट कुछ ऐसा है काजल का भाई, ये इसको खोल के दिखा दो भाई। लहंगा ला रखा है भयंकर भी, और बाहर इतनी ज्यादा ठंड हो रखी है और इसने हाफ स्लीव ब्लाउज ला रखा है। ये देखिए जी, बापा रे काफी प्यारा है भाई, ये देखिए। तो चलिए जी एक बार गंगा सॉरी काजल रेडी हो लेगी, उसके बाद मिलते हैं आपको। ठीक है। आधे और एक घंटे की कड़ी मेहनत के बाद फाइनली काजल हो चुकी है अपने आप से रेडी भाई। तो बहुत ही प्यारी लग रही है, उसने इतना लाइट मेकअप किया है ना भाई, मस्त लग रही है। और उसका लहंगा देखिए पहनने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर लग रही है काजल। वेलकम। तो चलिए जी अब चलते हैं आंगन की ओर। आगे के टाइम पे देखिए काजल की खूब सारी सहेलियां भी आ रखी है भाई, ये देखिए फुल कमरा भर गया है यहाँ भी, और शर्मा रही है। हमारे पहाड़ों की लड़कियां ना बड़ी शर्मीली होती है भाई। ने देखिए अभी तक मेहंदी नहीं लगाई है, यानी कि हाथों और पैरों पर लगा दी है फ्रंट साइड, और हाथों में बैक साइड लगाने के लिए रह गई है। इसी के साथ डीजे भी लगा हुआ है, लोग मस्त डांस करने में भी लगे हुए हैं। और हमारे पहाड़ों में ना दुल्हन को मेहंदी दुल्हन की सहेलियां लगाती हैं। यहाँ पे पार्लर वाले को बहुत कम मात्रा में बुलाया जाता है। तो चलिए जी एक बार हम भी चलते हैं फोटो शूट कराते हैं, रात बहुत हो गई है, अब सोने की तैयारी करते हैं। तो मेहंदी सेरेमनी के बाद थोड़ी देर हमने फोटो शूट किया, और अभी के टाइम पे देखिए मैं आ गई हूँ रूम पे।
तो आज मैं शिवानी के ही रूम पे सोने वाली हूँ और हमारे लिए यहीं पे अच्छी सी व्यवस्था हो रखी है भाई। सामने देखिए हीटर भी लगा हुआ है और यहाँ पे हमारी बुआ जी भी सो रही है। तो भाई अच्छा, इतना ठंडा माहौल हो रखा है ना यहाँ पे, अयांश की तबीयत भी खराब हो गई, उसको बुखार हो गया है, रात में खांसी भी हो रही है, क्या है बोले। तो चलिए जी, आज तो अच्छी जगह पे होगी व्यवस्था सोने की, उम्मीद करते हैं कि दो दिन हम और रहेंगे हाँ तो ऐसी व्यवस्था हो, है ना। तो चलिए जी, आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर थोड़ी सी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा चैनल, और इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को जरूर सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय देव मंत्रगण, जय हिंद, जय भारत।